सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका नाम है जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता। एक बहुत बड़ी समस्या है लैंगिक पक्षपात, लैंगिक असमानता। क्यों आजादी के इतने साल बाद भी, देश में इतनी तरक्की के बाद भी औरत को क्यों कमजोर समझा जाता है? स्त्री और पुरुष में इतना भेदभाव क्यों? छोटे से बच्चे को भी आज समझाया जाता है कि लड़की कमजोर है, लड़का मजबूत है, लड़का शक्तिशाली है। लड़की पैदा होती है, उसे कहा जाता है घर पर रहो, धीरे बोलो, धीरे चलो, घर का काम करो, बाहर मत जाओ, अंधेरे से डरो। क्यों आखिर इतना भेदभाव क्यों? लड़का और लड़की समान क्यों नहीं है? इतना भेदभाव क्यों है? ये पक्षपात क्यों है लड़कियों के साथ? इतनी संस्थाएं नारी शक्ति के लिए काम कर रही हैं, इतनी तरक्की हो चुकी है, लेकिन भेदभाव तो वही है। मनुष्य अपने आप को एक समझदार प्राणी समझता है, जानवर को नासमझ समझता है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति तो जानवरों जैसी ही हुई ना, क्योंकि हम औरत को और आदमी को समान नहीं समझते। आज ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। जब तक हम किसी लड़की की शक्ति को, उसकी क्षमताओं को बाहर नहीं आने देंगे, उसकी रुचि अनुसार उसे काम नहीं करने देंगे, हमारे समाज में, हमारे देश में तरक्की में रुकावटें आती रहेंगी। आज मैं इस विषय पर ये बोलकर सबसे विनती करती हूँ कि स्कूल के बच्चे से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की तक या शादी होने तक लड़कियों को अपनी रुचि अनुसार आगे बढ़ने का मौका दें, अपनी सोच बदलें। लड़कियां खिलौने से खेलने का नाम लेती हैं तो माता पिता उसे गुड़िया लेने को कहते हैं, बर्तन खिलौने वाले बर्तन लेने को कहते हैं। क्यों नहीं लड़की एक कार चला सकती या मोटरबाइक चला सकती? लड़की को क्यों हमेशा रसोई के बर्तनों से ही खेलना है या गुड़िया से ही खेलना है? लड़कों को हमेशा मजबूत समझा जाता है। अगर लड़के के दिल में भी इमोशंस हैं, लड़के को रोना आता है, तो क्यों कहा जाता है लड़कियों जैसे रो रहे हो? लड़के के और लड़की के सबके अपनी भावनाएं हैं जिन्हें प्रदर्शित करने का उन्हें पूरा हक है। लड़कों से क्यों कहा जाता है तुम कमाओ, परिवार चलाओ, वंश चलाओ? लड़कियां क्यों नहीं बाहर जा सकती? लड़कियां क्यों नहीं घर चला सकती? आज अगर लड़कियां घर से बाहर जाकर पढ़ना चाहती हैं, बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हैं, तो माँ बाप उनसे कहते हैं नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम घर पर ही रहोगी, तुम सुरक्षित नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए। उनको अपनी तरक्की करने देनी चाहिए, समाज की तरक्की करनी देनी चाहिए और देश की तरक्की में हाथ बटाना चाहिए। तो आज हम सब मिलकर वादा करते हैं कि स्त्री पुरुष के भेदभाव को खत्म करेंगे, बचपन से ही लड़के और लड़की को बराबर मानेंगे और उनकी जो क्षमताएं हैं उन्हें बाहर आने देंगे, उन्हें अपनी रुचि अनुसार जिंदगी में कुछ बनने देंगे। आप लोगों ने कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स का नाम तो सुना ही होगा ना? अंतरिक्ष पर गई थी वो दोनों। और हाल ही में आपने सुना होगा मंगल ग्रह पर सैटेलाइट भेजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनमें ज्यादातर महिलाएं ही थी। तो क्यों नहीं औरत रसोई में ही क्यों रहे? आसमान में चांद की ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू सकती है औरत? आपने संजीव कपूर, कुणाल कपूर, इनके नाम भी सुने होंगे। ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इनके इंटरनेट पे, मीडिया पे, यूट्यूब पे रेसिपीज आती हैं। इन्हें खाना बनाना पसंद है। क्यों नहीं एक आदमी खाना बना सकता? ऐसा क्यों है कि औरत ही रसोई में खाना बनाएगी? जिस भी इंसान को जो काम पसंद है, जिस काम में उसकी रुचि है, उसे वो करने दिया जाए, उसकी पूरी शक्ति वह उसमें लगाएगा, इससे हमारे देश की तरक्की में साथ मिलेगा। तो हमें ये सोच, रूढ़िवादी सोच खत्म करनी होगी कि औरत कमजोर है, आदमी बलवान है, औरत कुछ नहीं कर सकती, आदमी सब कुछ संभाल सकता है, औरत भी सब कुछ कर सकती है, औरत भी शक्तिशाली रूप दिखा सकती है, झांसी की रानी भी तो अपना रूप दिखा कर गई थी हमें, तो क्यों औरत को हम कमजोर कहते हैं? और आदमी
वो भी दिल से कमजोर हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएंगे। नहीं, जो जैसा है, जिसमें जो शक्ति है, उसकी शक्तियों को बाहर आने देंगे, उनकी क्षमताओं को पनपने देंगे, उनकी रुचि को आगे बढ़ने देंगे और देश की तरक्की के लिए आदमी और औरत के पक्षपात को खत्म करेंगे। धन्यवाद।